मास्टर स्ट्रोक में अब बाढ़ और बारिश की बात करेंगे, जो राष्ट्रीय व्यथा का आज एक चित्र सबके सामने रख रही है। सरकार हर साल सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। जल प्रबंधन के तहत नदियों पर बांध बनाए जाते हैं, बाढ़ नियंत्रण के लिए शहरों में नाले सीवर सिस्टम बनाए जाते हैं, शहरों के स्थानीय नगर निकाय जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम पर मोटी रकम खर्च होती है, लेकिन 24 घंटे की बारिश पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर देती है। 2015 में मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटीज तैयार करने का मिशन शुरू किया। इसके तहत शहरों की जल निकासी दुरुस्त करने की व्यवस्था भी रखी गई, लेकिन आज दो स्मार्ट सिटीज का दम घुटता देखकर आप तय कीजिए कि सिस्टम में कितना सुधार अब तक हो पाया है। गुजरात पर गरज रहे हैं संकट के बादल। नदियों की मार, शहरों में हाहाकार। डूब गई स्मार्ट सिटी अहमदाबाद। नदी में तब्दील हो गया वलसाड। अहमदाबाद की सड़कों को नदी बना देने वाला ये पानी सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। ये कह रहा है कि सिस्टम ये तो जानता था कि पानी बरसेगा, लेकिन क्या सिस्टम इस बात का जवाब दे पाएगा कि शहर से पानी निकलेगा कैसे? आम आदमी की समस्या को आगे रखने वाले एबीपी नेटवर्क को अहमदाबाद के गली मोहल्लों से लोगों ने ये तस्वीर भेजी है। ये लोग पूछ रहे हैं कि कुछ ही घंटे की बारिश की वजह से स्मार्ट सिटी का पूरा सिस्टम कैसे ध्वस्त हो गया। अहमदाबाद का सिंधु भवन, पंचवटी क्रॉस रोड, प्रहलाद नगर पानी में डूब गए हैं। रविवार की रात अहमदाबाद पर बादल ऐसे बरसे कि घर बार सड़क कार और सरकार के दावे सब पानी में डूब गए। स्मार्ट सिटी अहमदाबाद के इस अपार्टमेंट का हाल देखिए। इसके बेसमेंट में करीब 6 फीट तक पानी भर चुका है। कार डूबी हुई है, करोड़ों की संपत्ति खाक हो रही है। रविवार देर शाम को अहमदाबाद में जमकर बारिश हुई। बारिश ऐसी हुई कि पूरा जो शहर है वह आप देख सकते हैं इतना जल भराव हुआ कि ऐसे मान सकते हैं कि नदियां बह रही हो। छोटी ज्यादा लेके गए थे लेकिन आगे बहुत पानी भरा हुआ है अभी। आपके व्हीकल्स कहाँ गए? व्हीकल एक्चुअली मैंने और कोई कॉम्प्लेक्स में अननोन जगह पे अभी तो मैं पार्क करके आया हूँ, क्योंकि चालू रहेगा ही नहीं अगर ऐसी कंडीशन में लेके जाएंगे तो। आपको क्या लग रहा है, कुदरत मेहरबान हुई है या कॉर्पोरेशन ने काम नहीं किया उसके चलते हालत है? वही कॉर्पोरेशन ने काम नहीं किया है, क्योंकि ये हर बार का रहता है, थोड़ा बहुत भी पानी गिरता है फिर भी इधर ये रोड पे भर ही जाता है। कि अहमदाबाद कॉर्पोरेशन जो प्रदेश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है, उसकी ओर से कहा जा रहा था कि प्री मानसून प्लान हुआ है, प्री मानसून कामगिरी हुई। आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस चौकी को देख सकते हैं, वो चौकी डूबी हुई है और कई सारे ऐसे मार्केट्स हैं अहमदाबाद के। पुराना अहमदाबाद गिनो या नया अहमदाबाद, मान लो कि जल सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। अहमदाबाद शहर में व्हीकल्स लेके निकलना मुश्किल है। रविवार की शाम को कुछ ही घंटों की बरसात के बाद पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। गोमतीपुर की तस्वीर बता रही है कि शहर को बचाने वाले ही बारिश के बंधक बनकर रह गए हैं।
सोमवार की सुबह तक अहमदाबाद की आबाद बस्तियां बाढ़ में फंस कर रह गई। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने छत पर शरण ली। ये जीवराज पार्क सोसाइटी का इलाका है जहां कार